स्वागत है आप सभी का एनिमे टाउन के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारुतो के ऊपर, बरुतो के ऊपर कि क्या अब हमें नाइन टेल फॉक्स दोबारा देखने को नहीं मिलेगा और क्या नारुतो का ब्रेओन मोड पहली और आखिरी बार था। तो यही सारी बातें करेंगे आज की वीडियो में, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एक बात आप सभी से कहनी थी, बरुतो की स्टार्टिंग में मैं जितना अपसेट नहीं हुआ था उससे कहीं ज्यादा मैं अब आकर हुआ हूँ। वैसे हम सभी को ये बात नहीं पता थी कि सिर्फ नाइन टेल फॉक्स की डेथ देखने को मिलेगी, क्योंकि बरुतो के फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से हमें नारुतो की डेथ देखने को मिलने वाली थी। क्योंकि बरुतो के फर्स्ट एपिसोड में जब कावाकी ये कहता है तो इससे ये क्लियर हो गया था कि नारुतो की डेथ हो चुकी है। और अब तक जो हम देख रहे हैं ये सब बरुतो की कहानी है उससे पहले की, जब नारुतो मर चुका है। बट बरुतो में अभी जो आर्क चल रहा था उस हिसाब से नारुतो की डेथ होने वाली थी, क्योंकि नारुतो शिपुडेन की स्टोरी के हिसाब से तो हमें यही पता है कि नारुतो और कोरोमा दोनों अलग होंगे तो दोनों ही नहीं बचेंगे। बट यहाँ नाइन टेल फॉक्स यानी कोरोमा ने अपनी जान देकर बरुतो की जान बचाई। तो अब सवाल ये है, क्या हमें नाइन टेल फॉक्स दोबारा देखने को नहीं मिलेगा? और हाँ, मांगा रीडर्स को बता दूं, स्पॉइलर देने की कोई जरूरत नहीं है। बट अब बरुतो उस सिचुएशन में है जिसमें कभी नारुतो हुआ करता था, यानी कि नाइन टेल फॉक्स को जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता था, जब नाइन टेल फॉक्स उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता था और वो पूरे विलेज के लिए खतरा हो सकता था। अब वही चीज बरुतो के साथ हो रही है और आगे चल के और भी हो सकती है। बरुतो के कार्मा सील के थ्रू जो ओथ की बरुतो की बॉडी में रह रहा है, इस वजह से भी बरुतो को उन सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है प्रोबेबली। अब जैसे नारुतो ने नाइन टेल फॉक्स पर कंट्रोल करना सीखा था, वैसे ही बरुतो को भी अपने कार्मा सील पर कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि कुरुमा के चले जाने से नारुतो की पावर आधी हो गई है और सास्के भी अपना रेनेगान खो चुका है। तो इससे दो बातें सामने आती हैं, पहली बात विलेज को बचाने के लिए बरुतो को मार दिया जाए और दूसरी बरुतो को अपने कार्मा पे कंट्रोल करना सीखना होगा। बट अभी जो हमने रिसेंटली एपिसोड नंबर 220 में जो देखा उससे तो यही पता चलता है बरुतो को अभी नहीं मारा जाएगा, और वो हमें पहले ही एपिसोड में पता चल गया था। तो ऑब्वियसली बरुतो को अपने कार्मा सील पे कंट्रोल करना सीखना होगा। और एक बात और, क्या इश्की ओत्सुकी मर चुका है? हो सकता है वो दोबारा वापस आ जाए, क्योंकि अगर मादरा आ सकता है तो वो भी आ ही सकता है। आफ्टर ऑल ये होल सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ेगी। तो क्या नारुतो का ब्रेओन मोड हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा? इसका जवाब बस एक ही है, हमें इंतजार करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, पता है छोटी वीडियो है, अगली बार कोशिश करूंगा वीडियो लंबी रखने की। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें अगर मन हो तो। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।